गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी एल सैनी और माई सेल्फ गणेश चौहान, और हम लोग दोनों ही अभी इस एम्ब्रोलॉजी के फिफ्थ एपिसोड में आपसे आपके सामने हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसे बिल्कुल ये फाइनल इसका एपिसोड है, तो इसमें और भी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को ठीक से समझें। सर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 169। A pollen tube enters the ovule through chalaza lying opposite the micropyle. It will enter the embryo sac through. याद रखिएगा दोस्तों, मतलब इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दरअसल क्या होता है, ये आपके पास ओव्यूल है, इस ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होगी। हम लोग इसको नेम दे देते हैं पोरोगेमी। यदि मिडिल पार्ट से एंटर हो रहा है तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मीजोगेमी, और यदि चेलेजल एंड से कर रहा है तो नेम है चेलेजोगेमी। सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल अकर्स थ्रू थ्री वे, बट इन एम्ब्रियो सैक, देखिए चौंसर, इन्होंने एम्ब्रियो सैक के लिए बात कही है। बिल्कुल, तो एम्ब्रियो सैक के लिए तो ऑलवेज जो है ना माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगी, वो इसे अट्रैक्ट करेंगी, तो चाहे इस वे से एंटर करे, चाहे इससे करे, चाहे इससे करे, एम्ब्रियो सैक के लिए तो इसको माइक्रोपाइलर एंड पर आना ही होगा। सो ऑलवेज माइक्रोपाइलर एंड, तो हमारा आंसर फोर चला जाता है। तो यहाँ एक और चीज है सर, जैसे कहा जा रहा है, सर ने बोला कि जो पोरोगेमी है वो सर मेजोरिटी में प्लांट में होती है। बिल्कुल, ये कुकुरबिटेसी में मेजोगेमी देखी जा सकती है। हाँ, मेजोगेमी है, और केजोराइना वगैरह में चेलेजोगेमी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दें, मतलब कहीं से भी एंटर हो, लेकिन एक्चुअली एग की जो लोकेशन होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, इसलिए पोलन ट्यूब को हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पर ही आना होता है। सो इन एम्ब्रियो सेल एंट्री ऑलवेज अकर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, व्हाइल इन ओव्यूल इट कैन एंटर थ्रू चेलेजा, इंटेग्यूमेंट्स और माइक्रोपाइलर। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक इज, तो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं, चाहूंगा जो आंसर सर इसके बारे में। उसमें अपना वही है, एक आर्किस्पोरल टिश्यू है, मतलब न्यूक्लियस की एक सेल, कोई भी एनलार्ज कि न्यूक्लियस की एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डिफरेंशिएट इन मेगास्पोर मदर सेल। बिल्कुल सर, इट्स डिवाइडेड बाय मियोसिस, मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म इज स्पोरेटेड एंड प्रोड्यूस फोर लीनियरली अरेंज्ड ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, मींस द मेगास्पोर आउट ऑफ देम थ्री डिजेनरेट। जी, तो आर्किस्पोरियल से तो हमें चल रही है, अब मेगास्पोर डायरेक्टली बनेगा, तो यहाँ मदर सेल बनेगी, उसके बाद में मेगास्पोर बनेगा, उसके बाद में सर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, तो थर्ड आंसर चला जाता है। थर्ड आंसर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो आंसर आपने बात की होगी अभी, ये आपके पास एक ओव्यूल था, इस ओव्यूल के ये इंटेग्रमेंट्स हो गए जो आंसर सर, सर इस एरिया के अंदर हमारे पास न्यूसिलस हो गई, उसकी एक सेल एनलार्ज होगी, हम लोग इसके लिए वर्ड जिसमें है, इसमें हम लोग एनलार्जमेंट के टाइम इसको आर्किस्पोरियल सेल, बिल्कुल, आफ्टर देन जब ये अपनी एक्सट्रीम साइज गेन कर ले तो मदर सेल, बिल्कुल, फिर मियोटिक डिवीजन लीनियर टेट्राड, बिल्कुल, उनमें से थ्री सेल माइक्रोपाइलर एंड वाली डिजनरेट हो गई, ये फंक्शनल मेगास्पोर एंड इट डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो सेल। बिल्कुल सर, तो हमारा थर्ड आंसर चला जाए। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरिंजिया इन एंथर इज फॉर्म ए, इसने कहा ए सिंगल सेल यूस्पोरिंजिएट, ए सिंगल सेल लेप्टोस्पोरिंजिएट, ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल लेप्टोस्पोरिंजिएट, ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल यूस्पोरिंजिएट। दोस्तों यहां पर दो क्वेश्चंस को लपेटा गया, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेप्टो और यू का मीनिंग क्या। Sir, if sporangia develops from a group of cell, then it called eusporangia type. और if single cell, then lepto. Lepto. तो यहाँ higher plants में mostly यू जो है मेरे विचार से dominant होता है जो आंसर। बिल्कुल। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या चला जाता है? Group of hypodermal cell eusporangia. Means ये आपके पास epidermis थी। इस एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें से ये सेल का ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव हो गया, और ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म करेगा। सो ग्रुप है तो यू और हाइपोडर्मल रीजन। बिल्कुल, सो फोर्थ आंसर चला जाता है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके स्टार्ट हो जाता है ट्रिडोफाइट से,
जी. तो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो उनमें ये यू एंड लेप्टो का कंसेप्ट जी है। और हम समझ सकते हैं कि फर्ण के अंदर भी यू था, हाँ सॉरी लेप्टो, लेप्टो सिंगल सेल से अराइज होता है, लेप्टो लेप्टो सेंट्रिकल फर्ण। अच्छा, लोअर जो टेरिडोफाइट है उनमें यू का कंसेप्ट होता है, बिल्कुल सेलेजिनल, बिल्कुल बिल्कुल। हां सर, 72 as the embryo reaches maturity its further growth is suspended due to, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो ओव्यूल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो जाती है। हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल, तो आंसर हमारा आता है रिड्यूस्ड। क्यों डॉक्टर साहब? अब हमारे पास पॉइंट आता है कि इसके अंदर किसकी वजह से ऐसा होता है, तो आप लोग सब जानते हैं कि सीड के अंदर जो आंसर एबीए की कंसंट्रेशन हाई होती है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, प्रमोट करता है ताकि रिएक्शंस जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस नेग्लिजिबल हो जाए, स्लो हो जाए, ताकि स्टोर्ड फूड बचा रह जाए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बिल्कुल, तो इसलिए इसके अंदर हमारा आंसर चला जाता है जो आंसर फर्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, एब्सिशन ऑफ फ्यूनिकल ये भी करेक्ट है, और चेंज इन इंटेग्यूमेंट ये भी करेक्ट है, हार्ड हो जाता है, इंपरमेबल हो जाएगा गैसेस के लिए, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। सही सही, सो हम लोग फोर्थ आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ये इसे जैसे अपन उसको पढ़ते हैं ना एब्सिसिक एसिड हार्मोन को, जी, सब जी जी जी, तो इस एब्सिसिक एसिड हार्मोन को डोरमेंट हार्मोन भी बोला गया। बिल्कुल बोला, मतलब इट प्रमोट डोरमेंसी इन डिफरेंट सीड्स एंड इवन बड रीजन ऑफ बड रीजन। बिल्कुल करेक्ट है जी सर, तो ये उसमें उसके लिए तो बिल्कुल सही है फोर्थ आंसर। इंटेगुमेंट्स के लिए आप लोग मान सकते हैं कि गैस और वाटर के लिए इंपरमेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी, बिल्कुल, तो अपने आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएगी, इसलिए वो जो सीड पोर बचता है सिर्फ वहीं से एंट्री पॉसिबल है, वहीं से जो एनारोबिक शो करता है वो, तो एनारोबिक के लिए गैसीय एक्सचेंज आपके सीड पोर या माइक्रोबायल पोर से ही पॉसिबल। जी सर, बिल्कुल। To support initial growth of ovary, limited amount of additional auxin from capillary tissue become effective to together with. इन्होंने हमारा पिछले एपिसोड में ये डिस्कशन भी हुआ था और वहीं से अपन ने ये इस क्वेश्चन को लिया कि मतलब है ना आपके पास जब तक पोलिनेशन नहीं होता तब तक ओवरी में कोई फर्दर चेंजेस नहीं होते, उसका रीजन ये होता है कि उनके पास लो अमाउंट ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल, और पोलन ग्रेन उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड करना चाहता है सर, ठीक है, तो जब तक पोलन का ऑक्सीजन उसे अवेलेबल नहीं होगा तब तक उसके अंदर फूड स्टोरेज इंड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल, तो इसलिए हमारा इसका पहला ऑप्शन है स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोलन ग्रेन, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लार्ज नहीं होता, लार्ज की जगह, हाँ, तो हमारा आंसर तो जो आंसर इसमें फर्स्ट ही चला। वैसे तो ये है कि एक बेहतरीन बात यहाँ ये है कि एक्चुअली आप ये बात समझिए कि आखिर फ्रूट बनाया किस लिए जा रहा है, एंजियोस्पर्म जो फ्रूट बना रहा है वो सीड डिस्पर्सल के लिए बना रहा है, बिल्कुल, मेन रीजन यही है, मेन रीजन यही है, अब इसीलिए इन दोनों की जो फॉर्मेशन को है कोरिलेट किया गया है, जी जी, अगर सीड बनेगा तो ही फ्रूट बनने का मतलब, जी बिल्कुल, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब पोलन ग्रेन आता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एंगेज होता है तो उसकी पोलन ट्यूब से कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन जाके ऊपरी वॉल पर पहुंचता है, वो एक इंडक्शन इफेक्ट की तरह काम करता है, फूड स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है, स्टोरेज प्लस उसका सेल डिवीजन इंप्रूव होता है जी जी, और उससे फ्रूट बन जाता है, बिल्कुल यही सर जी सर। 74 व्हिच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म बट नॉट इन जिम्नोस्पर्म, पोलन ट्यूब होंगे, हां पोलन ट्यूब होगा, पोलन ट्यूब होगा, स्टिग्मा नहीं होगा, हां वर्टिकाग्र नहीं होगा, ओव्यूल इंटेगुमेंट होगा, होगा है ना, तो जो आंसर मेरे हिसाब से 72 का डायरेक्ट आंसर से 74 का डायरेक्ट आंसर जो है वो 2 चला जाता है, हां स्टिग्मा, क्योंकि उसमें फ्लावर तो होते नहीं और विदाउट फ्लावर स्टिग्मा कहां से आएगा, बिल्कुल, तो आपके पास कार्पल है बाकायदा, ठीक है, और पोलन ट्यूब है और आपके पास ओव्यूल, कार्पल यहाँ पर कार्पल का मतलब आप है ना वो अकेला जो है ना स्टिग्मा स्टाइल वो ही नहीं ले सकते, ओव्यूल को भी कार्पल का ही एक पार्ट माना जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, स्टिग्मा तो किसी भी कंडीशन में नहीं, नहीं होना, क्योंकि ना तो एंथर एंथर होते और ना स्टिग्मा और स्टाइल होते। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज मोस्ट पुअरली डेवलप्ड बिकॉज,
एक अच्छा कंसेप्ट लिया हुआ है कि जैसे जैसे प्लांट के अंदर इवोल्यूशन होता चला गया, उनका जो गैमेटोफिटिक के मतलब स्टेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली गई। उसका मेन रीजन क्या रहा कि एक तो इनको वाटर से इंडिपेंडेंस हो गई, दूसरा इनका डेवलपमेंट इंटरनल होता है। बिल्कुल, तो इसके एवज के अंदर हम लोग इसके इसमें क्या रख सकते हैं, तो फर्स्ट रीजन क्या है कि द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज मोस्ट पुअरली डेवलप्ड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मान सकते हैं। सेकंड नंबर है इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल इन इट्स क्लोरोप्लास्ट, ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड होता है इट्स क्लोरोफिल चेंज टू कलरलेस पिगमेंट एट मैच्योरिटी, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो जो आंसर जहां तक मैं समझता हूँ ये वाला सही है। यदि ये क्लोरोप्लास्ट रखता तो फोटोसिंथेसिस करता, और फोटोसिंथेसिस करता तो फ्री एग्जिस्टेंस रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यूट्रिशन ही तो नहीं होता इसके पास। हाँ, क्योंकि इसको डिपेंडेंसी शो करनी होती है स्पोरोफाइट पर। जी जी जी, है ना। तो ये से इस सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है कि अपने इसको और भी सर डाइवर्सिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये बात लिखी है कि मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू सर्टेन सेल। जी जी, सर्टेन सेल मतलब रिड्यूस है और वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ कुछ एक सेल से। जैसे पाइनस में जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें आप देखें कि ये 4 सेल की पोजीशन है। जी, 2 प्रोथेलियल सेल एंड 1 इज जनरेटिव अनदर इज वेजिटेटिव। जी सर, दिस इज पाइनस। जी, पाइनस में ही हमें मिलता है। साइकस में हम जाएं तो फर्स्ट प्रोथेलियल देन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, तो इसमें 3 सेल स्टेज है। जी जी, और जैसे ही हम एंजियोस्पर्म के केस में जाते हैं तो 2 सेल बच जाती है, तो ये 2 सेल स्टेज बन जाती है और ये एनजीओ के केस में हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस फॉर्म में यहाँ पर चला जा रहा है। असल में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर गैमेटोफाइट पर यहाँ क्लोरोफिल आ जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट शो कर सकता है और अपने उसमें रिजर्व फूड और दूसरी एक्टिविटी पार्ट। लेकिन ये क्या होते हैं कि स्पोरोफाइट मेल स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं। जी, तो इसीलिए वो रिड्यूस कंडीशन को शो कर। बिल्कुल सर। What is false for pollen tube? First है chemotropic moment, so correct है sir? Sir, बिल्कुल सही है। Second है it show tip growth, बिल्कुल correct है। बिल्कुल। Cytoplasmic screening, और अगला आता है 2 male gametes and 1 prothelial cell is present. प्रोथेलियल सेल का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है पोलन ट्यूब के रेफरेंस में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्रोथेलियल सेल चाहे जिम्नो ले लो आप, चाहे एनजीओ ले लो, प्रोथेलियल सेल तो पीछे ही रह जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है, मतलब रोंग पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो ये हो जाए। क्योंकि प्रोथेलियल का कंसेप्ट एक्चुअली कहीं ना कहीं ये जिम्नो तक ही लिमिटेड है, उसके बाद प्रोथेलस वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका जैसे टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो उनके अंदर प्रोथेलस जो होता है जो आंसर वेल डेवलप्ड होता है। बिल्कुल। और ब्रायोफाइट तक गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। और यदि अपन जिम्नो में आ जाते हैं तो वो हाईली रिड्यूस हो गई, 1 or 2 सेल की फॉर्म में बच जाती है। बिल्कुल सर। और जिम्नो एनजीओ में पूरी तरह से गायब हो जाती है। बिल्कुल, प्रोथेलियल गायब हो जाती है, इसीलिए वो 2 सेल तक रह जाती है। The nuclei of sperm and egg fuse as a result of, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या क्या कर जाती हैं, मतलब है ना फ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो आंसर क्या बताना चाहेंगे अपन इसमें सर? तो बेस पेयर रिलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सेकंड कहता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड कहता है म्यूचुअल अट्रैक्शन कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड लास्ट कहता है अट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एग एंड स्पर्म। तो आंसर बेस पेयर रिलेशन से तो कोई इसका मतलब रिलेशन नहीं है। सही है, ठीक है। सेकंड बोलता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। सही सही सही। थर्ड कहता है ये ना म्यूचुअल अट्रैक्शन कॉजेज बाय डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऐसा भी कुछ नहीं होता कि मेल गैमेट पॉजिटिव चार्ज और फीमेल गैमेट नेगेटिवली चार्ज हो। तो मेनली क्या होता है, इनके प्रोटोप्लास्ट का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये दूसरे से फ्यूज हो जाता है। तो इसका आंसर जो आंसर मेरे हिसाब से 4 है। बिल्कुल सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मियोसिस इन ए प्लांट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज। पहला है फ्रॉम स्पोरोफाइट टू स्पोरोफाइट, सेकंड कहता है फ्रॉम गैमेटोफाइट टू गैमेटोफाइट, थर्ड कहता है फ्रॉम स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, और फोर्थ कहता है गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट।
हमें बात करनी मियोसिस। बिल्कुल, तो मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन टू सेल, जो आंसर सर सर और टू एंड कंडीशन शो स्पोरोफिटिक कंडीशन। बिल्कुल, और इसमें मियोसिस हो गया तो आपके पास जो है ना एन स्ट्रक्चर अराइज हुई। बिल्कुल सर, और ये गैमेटो को रिप्रेजेंट करेगी, तो आपका आंसर आ गया स्पोरो टू गैमेटो गैमेटो। अब यहाँ पर सर एक और चीज है, अपन ने एक बार डिस्कस भी किया था जी, कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिली है, और विच इज लास्ट फेज ऑफ स्पोरो स्पोरोफाइट, तो उसमें स्पोर मदर सेल अपन मदर सेल कंसीडर की। तो इसमें भी एक चीज है कि मियोसिस के रेस्पेक्ट में भी है कि मियोसिस आर ऑफ थ्री टाइप, जायगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। बिल्कुल, तो यहां पर एक्चुअली स्पोरिक मियोसिस हो रहा है, जिसमें स्पोर मदर सेल एक हैप्लॉइड स्पोर्स को जनरेट जनरेट करती है, और जो जायगोटिक मियोसिस होती है वो एलजी तक, फिर एलजी तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये आगे अपना कंटिन्यू चला जाए जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपिटम। बिल्कुल, अब आप जानते होंगे कि टाइप ऑफ टैपिटम मतलब टू है अमीबॉइडल और सेक्रेटरी। हां, तो सेक्रेटरी अपनी पोजीशन को लास्ट तक जो आंसर मेंटेन रखती है। हां बिल्कुल, और वो अपना स्टोर्ड फूड जो होता है वो कंटीन्यूअसली सेक्रेट करती रहेगी, सेक्रेट करती रिलीज करती है। और अमीबॉइड क्या करती है, अपनी वॉल को डिसॉल्व करेगी। हां, और अमीबॉइड मूवमेंट करेगी थ्रू स्यूडोपोडिया। बिल्कुल, और लास्ट में क्या होगी, डेवलपिंग जो सेल्स है उनके साथ फ्यूज होकर अपना न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर देगी। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इन अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपिटम द सेल्स रिमेन्स इन सीटू, रिमेन तो नहीं रहनी, वो तो मूव कर जाएंगी अपनी जगह से। सेकंड कहता है द सेल सीक्रेट केमिकल्स फॉर डीजनरेशन ऑफ मिडिल लेयर, मान सकते हैं सेपरेट तो होंगे। फिर थर्ड कहता है द सेल पासेज इन बिटवीन द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में नहीं, वो तो चेंबर में आएंगे, पोलन चेंबर। और अगला कहता है द सेल्स फ्रॉम प्लाज्मोडियम दैट पासेज इन बिटवीन पोलन ग्रेन मदर सेल। तो जो आंसर ज्यादा करेक्ट ये चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप अपने जरा सा इसको इनको मतलब ना एक्सप्लेन करें, तो ये आपके पास एक सिंगल लोब हो गया। बिल्कुल, ये वाला पार्ट जो है ये टैपिटम हो गया चौंसर। बिल्कुल सर, और ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास टैपिटम हो गया। हाँ, अब टैपिटम की ये जो सेल्स है अमीबॉइड है, तो इनको मूव करना है, तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी वॉल को डिसॉल्व करना होगा, तो इनका सेपरेशन जरूरी हो गया, तो ये अपने एंजाइम सेक्रेट करके सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद ये मिडिल लेयर की तरफ थोड़ी जानी है, नहीं इनसाइड आनी, इनसाइड आनी, और फाइनली ये स्पोर मदर के सेल के साथ फ्यूज हो जानी, फ्यूज हो जानी, उनको न्यूट्रिशन। फोर्थ आंसर, तो आंसर चला सर सर। फिर आता है 180, व्हाट इज रॉन्ग। पहला बोलता है ऑब्ट्यूरेटर अकर्स इन द ओवरी, सेकंड बोलता है क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन, ग्रास पोलन ग्रेन आर मोनोसाइफनस। नेक्स्ट कहता है कौन सा, टिप ऑफ पोलन ट्यूब कंटेंट डेंस साइटोप्लाज्म, और टिप ऑफ पोलन ट्यूब कंटेंट कैलोज प्लग, कैलोज। तो जो आंसर फोर्थ से शुरू हो जाए, आपके पास ये पोलन ट्यूब हो गई इस तरीके से, इसके टिप पे साइटोप्लाज्म तो है, बट कैलोस प्लग जो होते हैं ना वो पीछे की तरफ बनते हैं, आई मीन एक्रोपिटल मैनर में बनने। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये टिप पे तो होने नहीं, टिप पे तो साइटोप्लाज्म को स्टोर रखना है, तो हमारा फोर्थ आंसर तो नहीं हो सकता। हाँ सर, नेक्स्ट कहता है टिप ऑफ पोलन ट्यूब कंटेंट डेंस साइटोप्लाज्म, तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म इसी एरिया में तो रहना, तो ये करेक्ट है। अगला कहता है ग्रास पोलन ग्रेन्स आर मोनोसाइफनस, मोस्टली मोनोपोड्स में मोनोसाइफनस कंडीशन देखने को मिलेगी। और ऑब्ट्यूरेटर जो है ये आपका ओव्यूल और यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनके लिए ऑब्ट्यूरेटर टर्म यूज करेंगे, जो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उसको टर्न को, है ना। तो ये ओव्यूल ओवेरी का ही पार्ट हो गया, तो ओवेरी में सर ने एक बहुत बढ़िया एक नया कंसेप्ट आपको दिया है एक्चुअली, कि एनसीईआरटी ने फिलिफॉर्म एपरेटस का कंसेप्ट दिया है, है ना। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, कि उन्होंने ऑब्ट्यूरेटर की भी कंसेप्ट दिए। तो ऑब्ट्यूरेटर का काम जो है वो यहाँ पर अपन देखें तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं ओव्यूल की लोकेशन को शो करता है, और ये लोकेशन अब यहाँ से तो क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिट है वहाँ अपनी ये फिलिफॉर्म एपरेटस की लोकेशन हो जाएगी, बीच में ये एग हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जो पोलन ट्यूब आ रही है
ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड जो पोर में एंट्री को जो पॉसिबिलिटी बनाई जाए तो उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा ग्रोथ पाई जाती है खासतौर से इस हिस्से से फ्यूमिकल रीजन से जो पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की ओर यानी कि माइक्रोपाइलर पोर में एंटर करने में मदद करती है। बिल्कुल मोड़ देते हैं। हाँ, जैसे ही वो इसमें एंटर होता है वैसे ही फिलिपोम एपिडस फर्दर गाइडेंस में एंगेज्ड हो जाती है और फिर पोलन ट्यूब के जरिए जो दो मेल गैमेट है उन्हें सिनर्जिक के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स कर दिया। तो डॉक्टर साहब मतलब सॉरी तो आंसर ये हमारा रॉन्ग पूछा है तो हमारा फोर्थ आंसर चला जाएगा बाकी सब सही सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एन ओव्यूल सीड इन टर्म ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज दैट इट इज तो जॉनसन बोलते हैं इसमें कि एक बीजांड बीज की समजात संरचनाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि ये है क्या रखता तो फर्स्ट बोलता है ये आपके पास कि इंटेगुमेंटेड इंडाइसेंट स्पोरेंजियम हैविंग ए सिंगल स्पोर ठीक है ये भी ठीक है। सेकंड कहता है इंटेगुमेंटेड जिम्नोस्पोरेंजियम अगला कहता है इंटेगुमेंटेड इंडाइसेंट मेगा स्पोरेंजियम विद ए सिंगल मेगा स्पोर और इंटेगुमेंटेड बट कंटेनिंग एन एग ओव्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग तो हमारे ओव्यूल के रेफरेंस में कंडीशन क्या आ जाती है भाई इंटेगुमेंट तो प्रेजेंस है और सिंगल भाई ओव्यूल की बात तो हम करेंगे एग की बात तो करेंगे क्योंकि वो तो एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया सो ये तो रॉन्ग हो गया। बिल्कुल फिर हमारे पास आता है इंटेगुमेंटेड इंडाइसेंट मेगा स्पोरेंजियम विद ए सिंगल मेगा स्पोर ये मान सकते हो। बिल्कुल इसके बाद ये कहता है इंटेगुमेंटेड गाइनोस्पोरेंजियम इससे कोई मीनिंग नहीं है और ये भी गलत हो हमारा आंसर थर्ड थर्ड चला। नेक्स्ट है 182 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंडोथीशियम लाई बिलो एपिडर्मिस बिल्कुल करेक्ट है सही। सेकंड बोलता है फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमेट इज कॉल्ड एपोगेमी ये तो रॉन्ग होगा कभी नहीं ये तो एपोगेसिस से पार्ट हो गया। हां तो उसके साथ अटैच नहीं होना। बिल्कुल थर्ड कहता है ये सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड ये तो करेक्ट हो गया सही। और ये फिर कहता है पॉइंट एट व्हिच फ्यूनिकल टच द ओव्यूल इज रेफी टच कर रहा है वो पार्ट हाइलम है ना कि रेफी। हां बिल्कुल तो आपका ये भी रॉन्ग होगा रेफी तो एक्चुअली ऊपर का जो कर्व पार्ट होता है वो नहीं तो आंसर जैसे हम लोग इसको एक डायग्राम से समझाना चाहें तो आप की तरफ इस स्पेस है थोड़ा सा आप देखें हाँ। कि यहाँ जो ओव्यूल ये जनरेट होता है हाँ। ये ओव्यूल जी इस तरीके से ये अब इस पार्ट को सर यहाँ रेफी कंसीडर होता है ये चला जा हो गया जो आंसर ये तो एंड हो गया हाँ। लेकिन जो कर्व पार्ट है वो रेफी कही कहलाता हाँ। और ये जो पार्ट है ये हीलम कहलाता हाइलम हो गया हाँ। हीलम ये हो गया बिल्कुल और रेफी जो स्टर्म यूज होता है वो कर्व पार्ट हाँ। वो भी एनाट्रोपस में ही होता है एनाट्रोपस में और वो आउटर इंटेगुमेंट जो है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो जाता है हाँ हाँ। फिर इनका कंसेप्ट ये है कि यहाँ जो है हाँ। इसमें ये जो वैस्कुलर सप्लाई है वो इस पॉइंट तक जाती है बिल्कुल सही कहा ये चीज़ तो एक अच्छी बात बताई हाँ। तो आपका डी रॉन्ग हो गया एक तो हाँ। और एक आपका ये वाला बी रॉन्ग हाँ बी रॉन्ग तो इन्होंने करेक्ट पूछा तो आंसर अपना क्या चला जाता है ए एंड सी तो आंसर आ जाता है मेरे ख्याल से फोर्थ बिल्कुल सही है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्लांट इज अनअफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेक्ट है सही वेजिटेटिव हो रहा है तो हमने तो उसका प्लांट पार्ट वेजिटेटिव पार्ट कट किया मियोसिस होना नहीं माइटोसिस होना और माइटोसिस होना उसमें जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होगा डिस्टर्ब होना नहीं बिल्कुल सेकंड बोलता है राइजोम ऑफ जिंजर सर्व एज ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेक्ट है सही थर्ड कहता है टोटिपोटेंशियल ऑफ सेल एनेबल अस टू माइक्रो प्रोपेगेट प्लांट ये भी करेक्ट है ओलार करेक्ट सही तो एबीसी सेकंड आंसर आ जाता है सर 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 फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेनेट ये हमने आगे नहीं पढ़ाया अगला है विच इज नॉट ट्रू पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथर एट टू सेल स्टेज जैसा कि पिछले एपिसोड में जॉनसन ने आपको बताया भी था कि 60% में टू सेल और 40% में थ्री सेल
तो करेक्ट हो गया। सेकंड कहता है स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगा स्पोर मदर सेल, ये तो गलत हो गया। स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली थोड़ी ग्रोथ होगी, हाँ ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। मेगा स्पोर डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म एन एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल, मेगा स्पोर डिवाइड होगा बस, एट न्यूक्लिएट कंडीशन सेवन सेल बनी, लेकिन टू बार टू टाइम्स थोड़ी, हाँ थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स थ्राइस बोलेंगे अपन, थ्राइस थ्राइस ठीक है, सही है। और एग एंड सिनर्जिड्स ऑलवेज लाइक नियर माइक्रोपाइलर एंड, करेक्ट है, एग हमेशा होगा तो सिनर्जिड भी वही होगा, वही होगी। और अगला बोलता है एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये गलत होगी, तो हमारे पास से आंसर आ जाता है कौन कौन से, दो करेक्ट हो गए, फर्स्ट जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, हां 184 184 184 में देखो आंसर आपके पास, हम देखते हैं पोलन ग्रेन साहब, देखो सर रॉन्ग पूछे हैं आप, नॉट ट्रू पूछा तो रॉन्ग, एक तो अपना थर्ड जा रहा है, हां और एक फिफ्थ जा रहा है, तो ये सेकंड आंसर जा रहा है, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रा स्पेसिफिक इनकंपैटिबिलिटी इज ओवरकम बाय, तो असंगतता आई मीन इनकंपैटिबिलिटी के बारे में जो आंसर ने पिछले एपिसोड में काफी डिटेल में आपको बातें बताई हैं, ठीक है, तो जो आंसर इंटर स्पेसिफिक इनकंपैटिबिलिटी है ना, तो कहा जाता है कि जब स्टिग्मा है ये, इस स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, तो कहा जाता है कि पोलन ग्रेन कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ही नहीं पहुंचे जाते, कहा जाता है पॉलिनेशन इज ए अनसर्टेन मैकेनिज्म जी। अब इसमें होता ये है कि अब ये स्टिग्मा की अथॉरिटी है कि वो अपनी ही स्पीसीज को डिटेक्ट करे पोलन ग्रेन को, और उन्हें जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करे जी जी जी। लेकिन जो अदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन सब पहुंच गए हैं, उन्हें तो वो जर्मिनेट नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, अगर ऐसा होता तो डाइवर्सिटी पूरी इम्बैलेंस हो जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल मीडिएट यहाँ प्रोसेस होती है, थर्ड एंड फोर्थ हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉइस्चर इंक्रीज कराने से पोलन ग्रेन को हम थोड़ी जर्मिनेट करवा देंगे जब तक वो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन ना हो। अब आप सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हो तो ओवरकम थोड़ी किया, सेल्फ पोलिनेशन में तो इनहेंस हो गया, तो हमें इन मतलब उसको ओवरकम करना, रिड्यूस करना है, तो हम लोग मिक्स्ड पोलिनेशन करवा देते हैं, हाँ, ताकि जो अदर प्लांट से आए हैं वो जर्मिनेट हो जाए और सेल्फ वाले जो है वो बच जाए, बिल्कुल उनसे ना, तो फर्स्ट आंसर चला जाए, बिल्कुल। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज, तो आपको क्या करना होगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, सबसे पहले तो दो पेरेंट्स को आंसर हमें सेलेक्ट करना होगा, टोमेटो में अपन मान सकते हैं सर, टोमेटो वाला जो कांसेप्ट है ना, पोटैटो टोमेटो, बिल्कुल। फिर हमें उनकी सेल वॉल डिसॉल्व करनी होगी, बिल्कुल, सबसे प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, फिर हम फ्यूसोजन या पीईजी सॉल्यूशन, एक बार ये नीट में क्वेश्चन भी आया, फॉस्फोइनोल ग्लाइकोल, हां ग्लाइकोल, ग्लाइकोल या ग्लाइकोलेट, आप ओएट में या ओल में दोनों में यूज में ले सकते हैं, तो आपके पास ये कंडीशन हो जाने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चला जाता है, जो आंसर क्या, कलेक्शन ऑफ सोमेटिक सेल, ठीक है। फिर सेकंड कहता है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ सोमेटिक सेल, केवल कलेक्शन तो तब तक नहीं होगा ना जब तक हम उसको आइसोलेट ना कर ले, आइसोलेट नहीं करें, सही, तो आइसोलेशन और देन आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये तो बाद की बात है, पहले तो हमें सोमेटिक सेल को कलेक्ट करना है, सोमेटिक को मतलब एक पोटैटो और टोमेटो की सेल को पहले कलेक्ट तो करो, उसके बाद में उसकी सेल वॉल डिसॉल्व करो जी, तो पहले तो उसको सेलेक्ट करना है कि हम पोटैटो को टोमेटो के साथ फ्यूज करवा रहे हैं या अदर के साथ, तो फर्स्ट हुआ हमारा सिलेक्शन, सही, फिर आइसोलेशन, बिल्कुल ठीक है, तो यही फर्स्ट स्टेप हो गया भाई, आप इसके बाद में ये स्टेप आएगा और इसके बाद में ये स्टेप आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट 87 ऑन कल्चरिंग द यंग एंथर, ऑन कल्चरिंग द यंग एंथर ऑफ ए प्लांट ए बॉटनिस्ट गॉट ए फ्यू डिप्लोइड प्लांट्स, प्लांट्स अलोंग विद हैव गिवन द डिप्लोइड प्लांट, हमने क्या किया, जो आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं जहां तक समझ रहा हूँ, हमने यहां से कुछ सेल्स को कलेक्ट किया और हमने उनको कल्चर मीडियम में अप्लाई किया, इम्प्लांट किया, तो हमें हैप्लोइड प्लांट के साथ साथ हमें डिप्लोइड प्लांट भी मिल रहे, तो डिप्लोइड प्लांट कहाँ से आए, तो मे बी सेल्स जो है वो आपके पास या तो मिडिल लेयर की रही होगी या एंडोथीशियम इनकी रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया हमारे पास, तो क्या आएगा, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, रॉन्ग है, एक्साइन तो सेल ही नहीं है, सही है सही है,
वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इट इज ऑल्सो एन, तो ये भी नहीं होगा सही है। फिर है सेल्स ऑफ एंथरबॉल, ये चला जाता है भाई। एंथरबॉल में आपकी सभी आ जाते हैं, इसमें एपिडर्मिस भी, एंडोथीसियम भी, मिडिल लेयर भी, सारी की सारी, इवन एपिटम को भी लेयर में कंसीडर किया है, लेकिन वो न्यूट्रिटिव फॉर्म में मानी गई और नहीं, फिर उसको तो मल्टी सॉरी पॉलीप्लॉइडी शो करेगी, पॉलीप्लॉइडी शो करेगी, लेकिन लेयर है, लेकिन उसमें हैप्लॉइड का भी कंसेप्ट है, तो वहां पर फिर पोलर ग्रेन है। सर इसको ये बात भी बताई जा सकती है यहाँ पर कि गुहा एंड बायसोरी दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने धतूरे के पोलन ग्रेन से हैप्लॉइड प्लांट बनाया जी जी जी, जी प्रोटीन पोटेंसी के जरिए, हां टेटोरा इनोक्सिया पे वर्क बिल्कुल वो चीज। नेक्स्ट है, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। बिल्कुल सर, तो सर जो आंसर इसमें फर्स्ट टाइम में आपके पास ये देखिएगा, हम फाइनल पे चलते हैं सीधे। हां हां, तो फाइनल पे हमें टू सेल्ड कंडीशन और न्यूक्लियस खूब सारे बहुत सारे, तो हेलोवियल कंडीशन होगी। हमारे पास ये कंडीशन है कि ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो तो न्यूक्लियर हो गया, और यदि न्यूक्लियर के साथ साथ ये साइटो हो तो सेलुलर होगा, स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमारे पास ये कंडीशन है कि टू सेल्ड कंडीशन है, इट हैव मेनी न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो हैव मेनी न्यूक्लियस, तो टू सेल्ड मल्टी न्यूक्लियेटेड हेलोवियल हो गया, तो हमारा थर्ड आंसर चला गया। ठीक 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 है। The endosperm of angiosperm is differentiated from that of gymnosperm because angiosperm have fat, endosperm is formed before fertilization, endosperm is not formed before fertilization, it survives only for some time. जो सब बात कह रहा है कि आवर्त बीजी का भ्रूणपोष अनावर्त बीजियों के भ्रूणपोष से भिन्न है, क्योंकि हमें बात यहाँ पर एनजीओ के रेफरेंस में करनी है, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो त्रियन होता है। हाँ, तो हमारे पास थर्ड आंसर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्मड बिफोर फर्टिलाइजेशन, और उनमें एनजीओ में बिफोर फर्टिलाइजेशन, जिम्नो में जिम्नो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाए। सही सर, विच इज करेक्ट, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड। सेकंड कहता है स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड, गैमेट्स एंड आर जनरली हैप्लोइड, और बोथ स्पोर एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड। सर तो जो आंसर हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस होता है, तो स्पोरिक मियोसिस है मींस स्पोर जो है वो मोस्टली कैसे होंगे, हैप्लोइड ही होने, और गैमेट तो कैसे रहते मतलब हैप्लोइड होते ही होते। लेकिन इसमें कहा कि बोथ स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड, कई बार स्पोर्स जो होता है ना वो क्या होता है डिप्लोइड कंडीशन में भी मिल जाता है, तो इसलिए हमारे पास केवल गैमेट्स के रेफरेंस में ये हम बात कह सकते हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। अब इसकी कंडीशन ये है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो ही तो प्रोड्यूस करेगी प्लांट में गैमेट्स, तो वो हमेशा हैप्लोइड रहेंगे। फर्स्ट हमारा आंसर बन रहा सही। 91, मिडिल लेयर ऑफ एंथर बॉल इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी आउटर पेराइटल लेयर इन प्राकोष की भित्ति की मध्य परतें द्वितीयक बाह्य भित्ति कोशिकाओं से बनती हैं। पहला बोलता है डाइकोट, सेकंड बोलता है मोनोकोट, तो तीनों दोनों में हाँ, तो आंसर थर्ड दोनों में। इसके लिए तो हम वैसे भी कोई लॉजिक नहीं रखते, आपके पास ये सेल है और ये टू सेल, ये पेराइटल स्पोरोजिनस, इससे आपके वॉल लेयर बन जाएगी और इससे आपके पास स्पोरोजिनस बन जाएगा जिससे फर्दर आपके स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर थर्ड चला जाए। सही। 92, इन टिश्यू कल्चर कैलस कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म शूट और रूट बाय अल्टरनेटिंग रेशियो ऑफ। एक अच्छा क्वेश्चन है जो आंसर हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा एक प्लांट फिजियोलॉजी का भी तड़का लगा दिया देखा जाए तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का रेशियो इक्वल हो लगभग, तो रूट और शूट दोनों साथ साथ सेम टाइम डेवलप, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ऑक्सिन लो है और साइटो हाई है तो शूट फॉर्मेशन होगी, और यदि आपके पास ऑक्सिन हाई है और साइटो लो है तो आपके पास रूट बन जाने, ठीक। तो इनके रेशियो से ही तो जो है ना और ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा ऑक्सिन टू साइटो, ठीक है। बस चला
The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because बड़ा सिंपल सा भाई हम लोग क्लोन वर्ड जो है जो आंसर यूज करते हैं मोस्टली जेनेटिक जिनका मतलब ना कॉम्बिनेशन है वो सिमिलर हो सिमिलर पेरेंट के साथ वो भी 100% 100% तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व हो जाता है तो और वेरिएशन आ जाएगी मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशन का मेन रीजन हो गया तो इसने कहा कि ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए मान सकते हैं डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन द ऑन टू द ऑफस्प्रिंग ये तो रॉन्ग हो गया एक का ही थोड़ी दोनों का जाएगा बिल्कुल भाई एक ही स्पर्म से आ गया एक ओवम से आ गया बिल्कुल दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे थर्ड है ऑफस्प्रिंग आर फॉर्मड एट डिफरेंट टाइम इससे कोई मीनिंग नहीं और अगला आता है डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट तो हमारे पास जो आंसर इसका आंसर चला जाता है फर्स्ट इसके अलावा और कुछ है नहीं कि दोनों सेम नहीं रहते Now, 94. In adventitive embryo, formation of seed occurs that has an embryo formed without meiosis and single. Adventitive embryo है. तो seed जो है उसमें embryo की presence है without meiosis मान सकते हैं. क्योंकि nucellular cells involved होते हैं और fertilization भी involved नहीं होता. Second कहता है an embryo develop directly from a diploid cell other than egg cell ye bhi mana ja sakta third kehta hai egg is induced to develop into a complete individual by artificial stimuli isse koi meaning nahi aur last kehta formation of young ones occurs from reproductive unit iska bhi koi meaning nahi lekin ye upar wale mein sorry maine kuch cheez pe dhyan nahi diya isne kaha hai ki formation of seed occurs that has an embryo formed without meiosis and single bhai ye actually aapne uski baat kar raha hai na apoptosis type ka ha wo ho gaya to main matlab keval us pe ja raha tha kis pe nucellus wale pe bilkul bilkul otherwise adventitive embryo mein other cell bhi to involve ho sakti hai bilkul bilkul to so answer second apna answer chala jata kyunki अगर किसी भी सेल से हो सकता है मे बी न्यूसिलस हो चाहे इंटेग्यूमेंट हो चाहे किसी से भी ए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा हैज कहता है ये एक बहुगुणित तंतु के सेवाल लैंगिक जनन चक्र के एक प्रकार को प्रदर्शित करता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज बनने के बाद पाया जाता है इसका मतलब हुआ कि इसमें जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है और जाइगोटिक मियोसिस जो आंसर मेरे विचार से गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर ही डोमिनेंट होता है बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब उसका एडल्ट जो फिलामेंट है वो ऑलवेज हैप्लोइड होगा मींस ऑलवेज जो है वो क्या करेगा गैमेटोफिटिक जनरेशन को ही शो रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये एल्गी का कैरेक्टर है एल्गी का कैरेक्टर अब इसने कहा हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लोइड गैमेटेंजिया रॉन्ग हो गए डिप्लोइड ये भी रॉन्ग है डिप्लोइड हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लोइड गैमेटेंजिया तो जहां तक मेरा विचार है जो आंसर ये बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते ही होते हैं अब आपके पास ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सेल बनी ये डायरेक्ट गैमेटेंजिया की तरह ही तो बिहेव करेगी भाई अपने ये पढ़ाते हैं ना कि जैसे यूलोथ्रिक्स के रेस्पेक्ट में ये स्टडी है तो यूलोथ्रिक्स में जो कि ग्रीन एल्गी का पार्ट है जी तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं वेजिटेटिव इनमें से कोई भी जो सेल्स है एक्सेप्ट होल्डपास ये एक्ट एज ए गैमेटेंजिया गैमेट फॉर्मेशन करेगी हाँ गैमेटेंजियम की तरह वर्क करेगी ये ऑलरेडी एन है और इसमें मेयोसिस हो नहीं सकती सो ऑब्वियसली माइटोसिस के जरिए बहुत सारे गैमेट ये प्रोड्यूस कर देंगे मतलब बहुत सारे बाद में फिर ये है कि ये आइसोगैमस को शो करते हैं तो ये बाहर आने के बाद में सेम साइज के गैमेट्स बन जाएंगे प्लस और माइनस मतलब आपका मेल एंड फीमेल और ये बाद में फिर जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा ना जी तो ये चीज 96. The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucellus. So 2N हो गया. Nucellus 2N हो गया. अगला कहता है, the chromosome number in the female gamete
जाइगोट, फीमेल गैमिट एन हो गया, तो ये एन हो गया, मतलब टू एन हो गया सर, जाइगोट टू एन हो गया, तो ये कितना हो गया 12। हाँ, सीडलिंग की बात कर रहे हैं, हाँ सीडलिंग में भी 12, वो भी 2n हो गया, तो हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन देखना होगा। एक मिनट, मेल गैमेट है, मेल गैमेट तो अच्छा सॉरी द मेल गैमेट 12, मेल गैमेट है सर ये, सॉरी सॉरी ये मेल गैमेट है, n इक्वल टू 12, तो 2n इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि क्रोमोसोम्स नंबर इन द फीमेल गैमेट तो 12 भी हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 जायगोट में 24, 24 और फिर सीडलिंग की सर बात कर रहा है तो 24, 24 तो 12 24 24 थर्ड आ जाएगा, अपना थर्ड आंसर आ जाएगा जी 196। द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट सर, सॉरी 97 नंबर क्वेश्चन था हमारा सर। Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? Means, कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन इस बात को आधार प्रदान करना है कि लैंगिक जनन का विस्तार कार्बनिक उद्विकास में बहुत देर से प्रदर्शित है? देर से हुआ। पहले वो सेक्सुअल भी शो करते हैं। हाँ, एसेक्सुअली या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो था वो मोर मतलब डोमिनेंट था। तो फर्स्ट इन्होंने कहा कि लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, मान सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन ही नहीं था, नहीं था। उसका मतलब ना जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म का। फिर सेकंड बोलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर प्लांट, ये भी ठीक था क्योंकि उनके अंदर जनरली क्या था मतलब अलैंगिक जनन होता और बड़ी तेजी से ग्रोथ करते, इसीलिए प्लांट्स के रेफरेंस में जो आंसर हम कहना चाहें तो ग्रिगेरियस नेचर जो होती है, मतलब युथी स्वभाव जो होता है वो इसी की वजह से डेवलप हुआ था। फिर सी बोलता है अलैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में सामान्य होता है, यहाँ पर ये बात गलत हो गई क्योंकि लैंगिक जनन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, हाँ क्योंकि इवोल्यूशन के लिए उनको जरूरत पड़ती है नए क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, वेरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है जी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन हुआ था ट्रांसर उसके अंदर क्या हुआ था कि धीरे धीरे कंडीशंस जो है वो एडवर्स होती चली गई ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उनको नए कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। और इसीलिए क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाए वो डिसअपीयर हो गए इस दुनिया से, और इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस भी होगा, और मियोसिस होगा तो नए कैरेक्टर्स आपस में मिक्स होंगे, और जब नए कैरेक्टर मिक्स होंगे तो क्या होगा एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसलिए उनके अंदर ये एलएनजी की वजह से हमारा जो है ना ये पॉइंट गलत हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास क्या था मतलब ना इसको महम ये तो सही है सर, हाँ है ना, हाँ ये सही है, और अपना बी भी सही है, बी बी भी सही है, सी रोंग, हाँ सी रोंग। फिर हमारे पास आता है डी आवर्त बीजियो सॉरी द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियो में लैंगिक जनन एक आकस्मिक घटना, ये तो गलत होगी बात, आकस्मिक क्या है डे बाय डे मतलब ना इवोल्यूशनरी इवेंट, हाँ इवेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास सी एंड डी तो रॉन्ग हो गए और ए एंड बी करेक्ट हो गए, तो आंसर मेरे विचार से ए एंड बी सेकंड आंसर, हाँ सेकंड चला गया। बिल्कुल सर। 98 व्हिच इज ए गैमोस्पर्म, तो आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन, ए गैमोस्पर्म जनरली स्टूडेंट्स को जो है यही जो पॉइंट होता है ना एगेमोस्पर्मी एपोस्पोरी एपोगेमी एपोमिक्सिस, ठीक है ये सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हमारा था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है मान सकते हैं हम लोग। सेकंड कहता है ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये तो गलत है, तो यही गलत हो गया, तो यहाँ पे तो होगा होगा जी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू स्पर्म, ऐसा हुआ तो एगेमो क्यों बोला, सही सही, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो बनेगा बनेगा, हाँ वो चाहे फर्टिलाइजेशन से बने चाहे विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, बनना तो है अदरवाइज स्पोरोफिटिक जनरेशन एस्टैब्लिश कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर जो आंसर इसका फर्स्ट चला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास ये वाला 99। Which of the following method is commonly used to maintain the genetic tract of a given plant? पहला कहता है by propagation through seed germination,
ये कह रहा है पादप का आनुवंशिक संगठन बनाए रखना है। हाँ ठीक है, तो पहला कहता है बाई प्रोपेगेटिंग थ्रू सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के द्वारा परिवर्तन। तो आप हम कह सकते हैं जो आंसर कि इन प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है सीड, और उसके अंदर मतलब ना क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है और फर्टिलाइजेशन भी हुआ है, तो सेम आनुवंशिक संघ वो तो नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, वेरिएबल है। हाँ, सेकंड कहता है बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, इसमें किसी तरीके का मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं होगा। तो आंसर मैं कह सकता हूँ कि सेकंड आंसर जा सकता है इसका, बिल्कुल। फिर हमारे पास नेक्स्ट कहता है बाय जनरेटिंग हाइब्रिड थ्रू इंटरजेनिक पोलिनेशन, इससे तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और देन हम कह सकते हैं क्रिएटिंग द सीड गामा रेडिएशन, ये म्यूटेशन उत्पन्न करेगा, उससे भी वेरिएशन आ जाएगा। तो वेरिएशन तो केवल एक ही प्रोसेस से नहीं आ सकता जी सर। 200 तो चौहान साहब ये कहना चाह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने कथन सही। इन एपोमिक्सिस द प्लांट्स ऑफ न्यू जेनेटिक सीक्वेंस आर प्रोड्यूस, एपोमिक्सिस हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा जो आंसर, तो नई सीक्वेंस कहां से आनी, नई जेनेटिक सीक्वेंस तो आएगी नहीं, तो रॉन्ग होगी। अगला कहता है इन एपोमिक्सिस टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट, दो व्यक्तिगत संयोजित कहा होंगे, इसने कहा कि मतलब है ना इंडिविजुअल्स सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट, मीट कहां से होगा, नहीं होगा, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। सही, फिर अगला कहता है द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोस माइटोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर, इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। और मेगा स्पोर मदर सेल में माइटोसिस भी नहीं होगा, होगी तो मियोसिस होगा, मेगा मियोसिस होगा, तो उसकी वजह से भी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट कहता है मेगा स्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोर बोथ आर हैप्लोइड, ये 2n होता है और ये n होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट कहता है पोलन मदर सेल्स आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफिटिक सेल, मदर सेल तो स्पोरोफिटिक है, दे आर 2m, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा 4 चला जाता है, बिल्कुल 4th चला गया आपके पास। तो जॉन सर अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसने इस बार नोट पूछा है, इंपॉर्टेंट बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, तो चौंसर अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफाइड ही एक तरीके से में रिजर्व फूड होता है जी बिल्कुल, और ये नोड इंटरनोड से नहीं बनते सर, ये नोड से बनता है, नोड से बनता है, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है, हां बन जाएगा। सेकेंड कहता है वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिश, करेक्ट है, ये क्या करती है रुके हुए जल में उठती है और उससे ऑक्सीजन खींच लेती है, एनसीईआरटी की लाइन है, और साथ में ये कहती है कि इससे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ऑक्सीजनिक हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए सर इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारे पास। सही, सेकंड कहता है नहीं सॉरी ये तो करेक्ट है जॉन सर, लीड हां ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग। अगला कहता है ये हमारे पास offspring produced by asexual reproduction are called clone, asexual reproduction रेमेट बोलेंगे सर, ये तो उससे बनेगा आपके मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल asexual reproductive structures are called zoospores, ये सही लेकिन ये भी तो ठीक है ना, हम लोग उसको क्लोन भी तो कह सकते हैं, रेमेट या क्लोन, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, हमें पूछा गया इसने नॉट करेक्ट, तो आंसर पहले चला जाता, पहले चला जाता। सही, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन को चुनना, प्लांट अंडरगोइंग नॉन रिकरेंट एग गैमोस्पर्म जनरली प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इन रिकरेंट एग गैमोस्पर्मी ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉयड एज इट इज डायरेक्टली फॉर्मड फ्रॉम न्यूसिलर और मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है इन जिम्नोस्पर्म पॉली एम्ब्रियोनी में अकर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है बिल्कुल सही, और पॉली एम्ब्रियोनी नेवर अकर इन, ये चौहान साहब रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंगो में तो ये मोस्ट कॉमन है, हाँ तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, सो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 203 इन्हें कहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर्स व्हिच हेल्प इन इवोल्यूशन, तो एसेक्सुअल में तो सर इवोल्यूशन हो गई है, हाँ
लेकिन किसके ऐसे कुछ नहीं बोल रहे टिश्यू की बात कर रहे हैं यार, किस पोरियल है तो सर स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ, और प्राइमरी स्पोरोजिनस के अंदर मियोसिस नहीं हो ना, बिल्कुल जब तक स्पोर मदर सेल ना बने। हाँ, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि स्पोर मदर सेल चाहे वो आपके किसी भी प्लांट ग्रुप में हो, मदर सेल मींस मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होगी वो तो माइटोसिस करके नंबर इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई होगी, एक होमोजेनस टिश्यू बनेगा। हाँ, फिर उसके बाद सेपरेशन के बाद मदर सेल होने के बाद मियोटिक डिवीजन होता है, सो डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद, तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। रॉन्ग सर। फिर अगला कहता है टैपिटल सेल सीक्रेट कैलेज एंजाइम, बिल्कुल सही है, ये बात सही है, फॉर डिसॉल्विंग कैलोज अराउंड द पोलन टेट्राड। हम लोग ये कहते हैं चौहान साहब की ये मदर सेल हो गई, ये डिवीजन हो गया और ये स्पोर टेट्राड बन गया, इन चारों सेल को जो आपस में कंबाइन करने वाली स्ट्रक्चर है वो कैलोज है, कैलोज डाइसेक्टेड। हाँ, अब इसका डाइजेशन तो एपिटम के थ्रू जो कैलेज एंजाइम होगा वही करेगा। हाँ, सो ये वाला है हमारा करेक्ट है। फिर ये कहता है बीटरूट सीड इज पेरिस्वर्मिंग सीड, ब्लैक पेपर और बीटरूट में पेरिस्वर्मिंग, परसिस्टेंट पेरिस्वर्म, बिल्कुल इसको हम पेरिस्वर्म बोल देते हैं, न्यूसिलस होता है, चिरकालिक हिंदी में कहते हैं, परसिस्टेंट इसमें, बिल्कुल। तो हमारा आंसर चला जाता है चौहान साहब 3 और 4 बोथ आर करेक्ट, मतलब थर्ड आंसर, थर्ड आंसर, ठीक है। 204, which of the following statement is incorrect in reference to anther? Anther. Generally, an anther have 4 megasporangia which produce microspore. बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस, और जनरली हम लोग ये कहते हैं कि मालवेसी मोनोथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है, बाकी मोस्टली के टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। सेकंड कहता है डायसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस बाय टैपिटम, ये एंडोथीशियम पार्टिसिपेट करेगी, तो आंसर बिल्कुल, तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ, नेक्स्ट कहता हमारे पास ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस इज टेक प्लेस इन एंथर, बिल्कुल सही है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट कहता जनरली एंथर बिकम्स बाइलोब्ड एंड डायथिकस टाइप इन एंजियोस्पर्म, बाइलोब्ड तो होगा ही, ये वाली कंडीशन रहनी है, और ये दूसरे वाला हो गया आपके पास, और ये इसके पास 4 चैंबर्स हो गए, तो टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइलोब्ड, ये भी करेक्ट है, तो रोम पूछा है तो आंसर इसने, तो सेकंड आंसर चलो ठीक। नाउ 105, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल, बिल्कुल सही, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है भाई, आंसर ने लिख रखा है मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल, एक ही बात लिख रखा है। नेक्स्ट मतलब हम लोग जो है कार्पल को मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं और ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया कह सकते हैं, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम माइक्रो स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू पोलन सेक, ये भी करेक्ट है। फिर ये कहता है मियोसिस अकर्स इन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में मियोसिस नहीं होता, ये तो मदर सेल में होगा, वो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड तो यहाँ तो केवल माइटो देखा जा सकता है, चाहे मतलब वो भी मेल गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। फिर ये कहता है माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस तो मियोसिस होता है, मियोसिस। और लास्ट कहता है पोलन ट्यूब मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्युलोज एंड स्पोरोपोलन रोम, दरअसल ये, हाँ, ये हम लोग इसका उसको ड्रा करें तो ये आपके पास ये आउटर एनवेलप हो गया, ठीक है, ये जो आंसर ये स्पोरोपोलनिन का, ये वाली तो पेक्टोसेल्युलोजिक है केवल और इंटाइन ही बनाती है इसको, इंटाइन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सॉरी पेक्टोसेल्युलोज, स्पोरोपोलनिन पोलनिन एब्सेंट। तो जो आंसर मेरे विचार से लास्ट के 3 रोंग है, तो 3 रोंग का पहला ऑप्शन जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। फिर है 206, फ्रॉम गिवन एग्जांपल हाउ मेनी आर हैप्लोइड इन प्लॉइडी लेवल इन एंजियोस्पर्म। देखिए चौहान सर, जहां जहां मदर सेल है वहां तो हम भूल जाएं 2n, मतलब n को, ये तो 2n होगी, पिस्टिल ये 2n हो गया, फिर हमारे पास एंटीपोडल सिनर्जिड और न्यूसिलस 2n हो गया, फिर हमारे पास बोला पोलन ग्रेन एग सेल और सेंट्रल सेल, तो हैप्लॉइड पूछा गया है, हाँ हैप्लॉइड पूछा गया है, माइक्रोस्पोर हो गया, हाँ है ना, हाँ इसके बाद में एंटीपोडल सेल, हाँ एक तो ये हो गया आपका, हाँ एक एंटीपोडल, एक एंटीपोडल हो गया, सिनर्जिड, एक सिनर्जिड हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, एग सेल, ये इतने से पांच हो गए, तो 5 कौन से में आ रहा है, थर्ड में, तो थर्ड आंसर अपना थर्ड चला गया।
तो आंसर लास्ट अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग्स बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इट्स इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल इन पोलन दीज केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हां तो हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया है आपको कि मतलब ना जनरली हम लोग ये कहते हैं कि एक प्लांट अपने पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है तो वो उसकी प्रोटीन से ही करेगा पोलन ग्रेन की प्रोटीन से अब पोलन ग्रेन के पास जो प्रोटीन आनी है वो तो टेपिटम प्रोवाइड करेगा तो इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हमारे पास क्लू है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में स्टिग्मा के तो खुद के हैं जो भी कुछ है लेकिन पोलन की जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करना है और वो प्रोटीन वो कहाँ से लेके आता है माइक्रोस्पोरेंजिया से और वहां पे उसको टेपिटम प्रोवाइड करेगा यहाँ कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये बहुत बढ़िया सेगमेंट है कहा गया है कि पॉलिनेशन इज अनसर्टेन मैकेनिज्म वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन आर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टिग्मा रीजन जी देन स्टिग्मा रिकॉग्नाइज पोलन ग्रेन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम स्पीशीज है ना देन दे रिप्रेजेंट डायलॉग इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस जी इफ केमिकल रिएक्शन आर इन प्रॉपर डायरेक्शन जी देन दे रिप्रेजेंट कंपैटिबिलिटी जी एंड प्रमोट पोलन ग्रेन जर्मिनेशन जर्मिनेशन इफ दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज देन दे कैन इनहिबिट जर्मिनेशन प्रोसेस तो ये टेपिटम का करेक्ट है जी सर कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट पोलन ट्यूब रिलीज टू ऑल इट्स कंटेंट्स इन डिजनरेटिंग सिनर्जी ठीक मान सकते हैं चौहान साहब हम इसको पोलन ट्यूब रिलीज ऑफ ऑल इट्स कंटेंट इन डिजनरेटिंग बिल्कुल क्योंकि केमिकल बनाएंगे तो वहां पर ये उसको देगा ऑल इवेंट अकर्ड आफ्टर द एंटरिंग पोलन ट्यूब इन ओव्यूल आर नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये रोग हो गए आफ्टर एंटरिंग थोड़ी होता है बिफोर होता है नेक्स्ट कहता है Flowers pollinated by flies and beetles secrete fall order to attract. ये भी correct हुआ. In most of angiosperm and gymnosperm, monosporic and polygonum type of embryo sac is present. सही गलत हो जाए. हाँ, gymno के लिए नहीं बात बाकी gymno की थी. हाँ, तो ये रोग वो भी embryo sac हमेशा angiosperm के लिए ही consider होगा, gymnosperm के लिए नहीं. नहीं. Next हमारे पास था D. ये पोलन ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट ये ठीक चौहान साहब ये ठीक हां ये ठीक मतलब है ना उनके पास क्वालिटेटिव फूड होता है फूड होता है बिल्कुल मान सकते हैं तीन ये सही हो रहे हैं सर हां तो ए सी एंड ई तो फोर्थ आंसर चला गया आंसर सही जी From the given examples, in how many double fertilization is present? ध्यान दीजिए का double fertilization is the characteristics of angiosperm. बिल्कुल. तो आपको इसमें angiosperm को देखना. बिल्कुल. Generally देखिएगा cycas before meiosis मतलब before fertilization develop हो जाता, so always haploid angiosperm. बिल्कुल. Second हमारे पास एक तो आ गया maize, papaya, grasses. पाइनस फिर वो हो गया आपके पास पेरिडियम में तो बनता ही नहीं फिर कोकोनट हो गया और एडियंटम नहीं होगा कुकुम्बर हो जाएगा मैंगो हो जाएगा चौहान सर वेलिशनेरिया भी एंजियोस्पर्मिक है ये टेरिस्टेरिस्पर्म है तो हमारे पास कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो सेकंड आंसर चला जाता इसके बाद 210 Consider the given statements. First कहता है, a typical microsporangia is generally surrounded by four wall layers. Correct है? बिल्कुल है. आंसर? हाँ सही है. Second बोलता है ये compactly arranged homogeneous cell occupies the center of each microsporangium known as sporogenous tissue. ठीक है? Homogenized अभी अभी जो आंसर ने बताया था कि sporogenous cells जो हैं वो माइटोसिस करेंगी और माइटोसिस से क्या होगा एक होमोजेनस टिश्यू अराइज होगा उसका नेम हमने स्पोरोजेनस टिश्यू रखा है सो ये भी करेक्ट हुआ ये इसमें ये एम्फीथीसियम वाला कंसेप्ट अच्छा सॉरी सॉरी गलत हो हां एम्फीथीसियम में ध्यान नहीं दिया अपन ने एम्फीथीसियम वहां नहीं होता ना 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 ये तो आपको उसमें मिलेगा ब्रायोफाइट्स के और उनके मतलब कैप्सूल का उनका पार्ट मिडिल लेयर होता है तो चल जाता जी 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 ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड बिकम प्लॉइड और हैप्लॉइड पॉलीप्लॉइड और हैप्लॉइड पॉलीप्लॉइड कभी नहीं होना पॉलीप्लॉइड हां तो माइक्रोस्पोर की बात कर रहा है तो नेक्स्ट कहता है डिफरेंट स्पीशीज पोलन ग्रेन शो वेरिएशन इन साइज शेप कलर एंड डिजाइन ये करेक्ट है हर एक हम लोग क्या करते हैं
पोलन के जो ऑर्नामेंटेशन होते हैं, बाहर जो अलंकरण होता है, उसके आधार पे हम पादप की स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। तो एक विशिष्ट पादप में जो प्रागकण होता है उसके ऊपर जो डिजाइंस होती हैं वो स्पेसिफिक होती है। सो हम लोग ये करेक्ट मान सकते हैं सर। लास्ट कहता है व्हेन ए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए पोलन ग्रेन इट डिवाइड थ्रू द मियोसिस। तो ये रॉन्ग हो गया, मियोसिस की वजह से, माइटोसिस होता तो करेक्ट मान सकते थे, पोलन ग्रेन में माइटोसिस ही होगा। तो स्टेटमेंट जो आंसर मेरे ख्याल से तीन गलत हो गए आपके पास, ए सी और ई। इसमें एम्फीथीशियम सबसे अच्छी बात यह है, ये वाला बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एंडोथीशियम होता तो एंडोथीशियम दे दिया, एपिडर्मिस दे दिया, तो यहाँ पे मिडिल लेयर आना। तो जो आंसर ये था हम, तो दोस्तों कोशिश हमने ये की कि आपको एम्ब्रियोलॉजी में कुछ वेरिएशन दिए जाएं, अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएं। हमारा आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने ज्यादातर स्ट्रेस दिया है एक तो पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन पे, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। यदि एम्ब्रियो से क्वेश्चन आता है तो मतलब इससे पोली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस और पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से हर हाल में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हमने ज्यादातर पांचों एपिसोड में इसी चीज पे स्ट्रेस दिया है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा रिकवर करें। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू।